आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मणिपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन में धंसा आर्मी कैंप। मणिपुर में सेना के कई जवान मलबे में दबे। अब तक 7 जवानों सहित 14 लोगों की मौत, बाकियों की तलाश जारी। जी हां, मणिपुर में आफत भरी बारिश ने हर जगह कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें कि इसी के चलते मणिपुर में एक आर्मी का कैंप तबाह हो गया। जी हां, भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोग दब गए। आपको बता दें कि मणिपुर में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के जिरीबाम को इंफाल से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 160 टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को तैनात किया था। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते वहां भारी भूस्खलन हो गया, जिसमें पूरा का पूरा आर्मी कैंप तबाह हो गया और ऐसे में यहां कई जवान दब गए। भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार और रेल कर्मी मणिपुर के नोनी में भूस्खलन प्रभावित तुपुल स्टेशन के पास पहुंचे, जहां राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि भूस्खलन के चलते 50 से अधिक लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जबकि कई लोगों के शव बरामद किए गए। यही नहीं, अब तक 19 लोगों की जान भी बचाई जा चुकी है। नोनी जिले के तुपुल यार्ड रेलवे में हुए इस भीषण हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अभी भी मलबे में 72 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के 43 जवान भी शामिल हैं। जय भारत टीवी के लिए विवेक रावत की रिपोर्ट।